जब स्कूल में शिक्षक नहीं हो और बच्चे हों तो उनके भविष्य का क्या होगा, ये तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी को मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी इसे सोचने के बारे में कि क्या हाल होता होगा। ऐसे ही एक मामला लेकर हम आए हैं जहां पर बरहेटीला के पीड़ित बालक कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पालकों ने अपने ज्ञापन में मांग की है कि उनके यहाँ शासकीय माध्यमिक शाला तो है लेकिन कोई भी स्थायी शिक्षक नहीं है। एक अस्थायी शिक्षक है जो सभी क्लासों की हाजिरी और अन्य शासकीय कार्यों में व्यस्त रहते हैं, जिससे उनके भविष्य, जो उनका बच्चा है, उनके भविष्य को खराब होता वो देख रहे हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। इसी परेशानी को लेकर पालकों ने मांग की है कि स्कूल में स्थायी शिक्षक की नियुक्ति की जाए ताकि उनके बच्चों का भविष्य संवर सके। सब पालक लोग की समस्या है कि हमारे बच्चे लोग शिक्षा ठीक से नहीं मिल पा रही है। वहाँ बहेटीला में पूरे माध्यमिक शाला में 6वीं से 8वीं क्लास तक है और वहाँ एक भी स्थायी शिक्षक नहीं है, जिसकी वजह से हमारे बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। अभी यहाँ आए तो मैडम भी बोल रही है कि मैंने व्यवस्थित करेंगे और बीओ से भी मैंने बार बार बोल रहे हैं कि बीओ भी बस फिर से व्यवस्था करता है सिर्फ 1 हफ्ते के लिए। हाँ, बहेटीला जो मिडिल स्कूल है गरबोड़ा ब्लॉक के अंतर्गत आता है, वहाँ पर शिक्षक नहीं थे। पिछले जो संलग्नीकरण थी वो वापस हो गए थे, इसका हमने 2 शिक्षक की व्यवस्था कर दी है। वहाँ पर ग्राम पंचायत वाले भी वहाँ पर शिक्षक की व्यवस्था करते हैं, जिस तरह से स्कूल किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होता है। एक्सप्रेस स्पेशल में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।